मुलाकात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक से। कल शनिवार को नतीजे आए हैं दोपहर के बाद, मैं आपके सामने पहले नतीजे रख दूं, उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम में 24% की बढ़त दिखी है, मुनाफा 10% घटकर आया है, हमारा अनुमान 735 करोड़ का था, 725 करोड़ के आसपास आया। प्रोविजनिंग बढ़ी है 50% साल दर साल, ये बढ़त देखने को मिल रही है। स्लिपेजेस कम हुए हैं, फीस इनकम में अच्छी ग्रोथ है, लोन ग्रोथ भी मजबूत है 25% के आसपास की, और डिपॉजिट ग्रोथ 39% की काफ़ी अच्छी कही जाएगी। एसेट क्वालिटी स्थिर है नेट और ग्रोथ लेवल पर, ये है नतीजे। आइए, हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, वी वैद्यनाथन साहब MD और CEO हैं बैंक के, और सुधांशु जैन साहब CFO हैं बैंक के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। वैद्यनाथन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड मॉर्निंग सर। बताएं सर, ये क्वार्टर किस तरह का रहा है, इस तिमाही की खास बातें? मेन थिंग इज मैंने हेडलाइंस देखी हैं कि दैट जैसे आपने भी कहा कि प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर डाउन 10%, उसमें आपको एक इम्पोर्टेंट करेक्शन कर दूं। वाइल रिपोर्टिंग ऐसी हुई है, एक्चुअली जो लास्ट ईयर के जो हमारे Q4 के रिजल्ट्स थे उसमें जो ट्रेजरी या वन टाइम इनकम बहुत ज्यादा था, और देयरफॉर नेट प्रॉफिट उस टाइम का करीब 700 करोड़ का था, और ये हमने उस समय भी स्पेसिफिकली कॉल आउट किया था, उस समय भी कॉल आउट, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 723 ग्रोथ ओवर 700 करोड़। प्लस इफ यू टेक द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो साल पर साल 24 ओवर 23, उसमें देयर इज अ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ग्रोन फ्रॉम 2450 करोड़ टू 2950 करोड़, दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 22%। उसमें भी अगर आप देखें विदाउट द ट्रेजरी इनकम, कोर जिसको बोलते हैं कोर NII बेस्ड प्रॉफिट, कोर इनकम जो है दैट इज ग्रोन बाय 28% from 2100 crore to 2800 crore, that's 28%. So main kehna chahunga ki pehle I want to set the platform right taki the correct picture comes out. Dusri baat, frankly bank ke asset quality bahut hi strong hai, abhi bhi retail NPA jo hai it is running at 1.38% and net NPA is running at 0.4%, so asset quality bahut achhi hai. डिपॉजिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये फंडामेंटल्स होते हैं। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हों तो 25, 26, 27 सब मुझे लगता है कि काफी अच्छा है। डेफिनेटली, तो बिल्कुल ध्यान रहे, अगर आप मुनाफे को कंपेयर कर रहे हैं साल दर साल तो ये ध्यान रहे, पिछले साल में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वन टाइम इनकम थी जिसकी वजह से मुनाफा ज़्यादा था, मुनाफा साल दर साल उसे हटाकर देखेंगे तो आपको मजबूत नजर आएगा। सुधांशु जी, प्रोविजनिंग पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, इस बार प्रोविजन लगभग 50% बढ़कर आए हैं, जबकि अनुमान ये था कि शायद प्रोविजनिंग फ्लैट रहेगी, क्या वजह है कि प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी सर? गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी, सारे दर्शकों गुड मॉर्निंग। प्रोविजनिंग मैं बोलूंगा इस साल की अगर आप देखें, जो हम बोलते हैं पैरामीटर मॉनिटर करते हैं क्रेडिट कॉस्ट टू एवरेज फंडेड एसेट्स, वो पूरे साल की 1.32% आई है। हमने साल में क्वार्टर में थोड़ा सा इसका नॉर्मलाइजेशन देखा है, Q3 में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, Q4 में भी थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सो अगर आप Q3 को Q4 देखें मोर अराउंड 1.45% है। हमारी रिकवरीज रिटर्न ऑफ अकाउंट से आ रही थी पहले, ये लार्जली कोविड इम्पैक्टेड पोर्टफोलियो था, यहाँ पे रिकवरीज थोड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नॉर्मलाइज हो रही है इसलिए, बट ये 1.45% भी मैं जो बता रहा हूँ हमारी गाइडेंस ही काफी लो है। हम इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं ये 1.45% थोड़ी और नॉर्मलाइज हो सकती है, बट भी हमारी क्रेडिट कॉस्ट 1.6 to 1.65% आनी चाहिए। सो मिस्टर वैद्यनाथन जी ने कहा कि हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, अगर आप हमारे SMA नंबर्स देखें जो कि प्री NPA स्टेज के नंबर्स हैं वो भी काफी स्टेबल रहे हैं एट 0.85%। So, asset quality काफी stable है, मैं ये कहना चाहूंगा। ये word normalization सुधांशु ने use किया, so sometimes लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर साफ समझा दें उसको। जी जी। Normalization मतलब कि जो जब तक कोविड का पोर्टफोलियो जो हमने provisions किए थे उसकी रिकवरी आ रही थी लास्ट ईयर तक, अभी वो पोर्टफोलियो खत्म हो चुका है, जो कोविड का पोर्टफोलियो कोविड गया रात के बाद कई कोविड खत्म हो गया, उसकी जो रिकवरी आनी थी वो खत्म हो गया, तो अभी जो नॉर्मलाइज बोलते हैं जो अभी क्रेडिट जो क्रेडिट प्रोविजन आ रही है नॉर्मल समझिए, और हर साल क्वार्टर बाय क्वार्टर इतना एक्सपेक्ट कीजिए आप इसको, अरे नॉर्मल है क्योंकि जिस बैंक की पोर्टफोलियो में NPA इतना कम है, SMA जो बोलते हैं प्री NPA पोर्टफोलियो वो भी उसको भी मैं एक्सपेंड कर दूंगा आपके दर्शकों के लिए, इसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, मतलब जो NPA के पहले का स्टेज जो होता है जो NPA बनता है वो भी काफी कम है, तो नॉर्मलाइजेशन माने अभी नॉर्मल हो गया है, अभी वी डोंट एक्सपेक्ट एनी डिटरेशन फ्रॉम हियर।
ओके जहाँ एक और कई सारे बैंक्स को डिपॉजिट ग्रोथ लेने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, वैद्यनाथन साहब आपकी डिपॉजिट ग्रोथ बहुत इम्प्रेसिव है, लगभग 38% 39% है, इतनी मजबूत डिपॉजिट ग्रोथ के पीछे वजह क्या है सर? द मेन थिंग इज पता नहीं, सी द मेन थिंग इज दैट द बैंक का एक ब्रांड बन गया है। ये मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब अननोन ब्रांड होता है कि नोन ब्रांड बनता है, एक बहुत एक ऑर्बिट शिफ्ट होता है जब ब्रांड बनता है। पहले जब ब्रांड नहीं होते हैं तो हमें कस्टमर को रीच करना पड़ता है, आप डिपॉजिट दीजिए डिपॉजिट दीजिए। जब ब्रांड बन जाता है तो ब्रांड खुद अट्रैक्ट करता है डिपॉजिट। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के लाइफ में बहुत मेजर इवेंट होता है। हमारे बैंक पे पिछले 2-3 साल में ऐसा एक ब्रांड बन गया है। मे बी हमारे एक्टिविटीज हों या हमारे कंडक्ट हों या हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं और कस्टमर का एक्सपीरियंस, जो हमारे जो जिन कस्टमर हमारे बैंक का एक्सपीरियंस किया है वो हमारे बारे में, हमारे एक्सपीरियंस बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे एम्प्लॉयज भी बैंक तो ये बैंक के बारे अच्छा बोलते हैं। तो एक एक ब्रांड बन गया, उससे बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। आप यू नो आप बिलीव कीजिए, इस साल हमने डिपॉजिट रेट कम किए हैं अपने डिपॉजिट्स में। हमने पहले सेविंग्स रेट में 5% देते थे, फिर हमने 4 किया, फिर 4 में भी बहुत डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग है, हमने 3 किया, अब 3 में भी डिपॉजिट आ रहे हैं। तो 40% ग्रोथ आया इस साल। सुधांशु जी आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी काफी लो है, 6.43% है, काफी मतलब कम कॉस्ट पे आप फंड्स ले रहे हैं, लेकिन साथ में आपके मार्जिन्स इंप्रूव नहीं हुए, 6.35% रैंक। कुछ बैंक्स हैं जिनके रिजल्ट आए जिन्होंने मार्जिनली थोड़े से मार्जिन्स इंप्रूव किए, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स लो होने के बावजूद मार्जिन्स इंप्रूव क्यों नहीं हुए और क्या आगे हो सकते हैं सर? अभी फर्दर हो भी सकते हैं कि अभी ब्रॉडली हमारे मार्जिन्स अभी स्टेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करीब 27 FY यूं समझिए अभी 1-2 साल बाद जब हमारे सारे पास्ट बॉन्ड्स हम पे ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे बैंक में अभी भी करीब 15,000 करोड़ के पास्ट जो IDFC लिमिटेड के टाइम के बॉन्ड्स हैं वो जब पे ऑफ हो जाएंगे हम रेट और कम करेंगे, उससे मार्जिन और फर्दर इंप्रूव हो सकता है। वैद्यनाथन सर अनिल जी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, पूरे साल में देखें तो हमारे मार्जिन 30 basis points इंप्रूव हुए हैं, 6.05 से 6.35%। इस क्वार्टर में 7 basis points मार्जिन कम हुए हैं, बट उसमें भी अगर हम फर्दर डेटा पॉइंट में आपको बताऊं तो हमारी यील्ड और एडवांसेस इंप्रूव हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कॉस्ट ऑफ फंड्स आपने जो कहा कि काफी स्टेबल रहे हैं 6.43%, हमने इस क्वार्टर में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ाई थी, थोड़ा इंटरेस्ट आर्बिट्राज था वहां पे उस एंड तो वहां पे उसके कारण मार्जिन थोड़े कम हुए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये एक टेम्पररी फिनोमेना है, मार्जिन यहाँ से हमारे स्टेबल रहेंगे, इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर थोड़े यहाँ से इंप्रूव भी हो सकते हैं। वंडरफुल, मैंने पहले भी दर्शकों को कहा था अगर रेट कट होता है टू अ लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, हमारी 63% ऑफ द बुक फिक्स्ड बुक है, तो अगर रेट्स कट होंगे तो हम बेनिफिशियरी होंगे हमें लगता है। परफेक्ट, तो बिल्कुल ठीक बात है, रेट कट का बड़ा फायदा भी मिलेगा। वैद्यनाथन सर एक सवाल आपसे क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ, हाल ही में कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसे रहे हैं जिनके क्रेडिट कार्ड्स पर थोड़ा सा RBI की तरफ से एक्शन हुआ, क्या IDFC बैंक उनका फायदा उठाने के लिए तैयार है? दूसरा ये कि कब तक आप उम्मीद करते हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा? हम एक्चुअली सोचते नहीं है कि किसका ऐसा फायदा उठाए वगैरह, हम लोग एक डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं। हमारा एक बजट है, एक प्लान है और उस प्लान से हम चलते हैं ब्रॉडली। तो ऐसा है कि हमारा क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो भी आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इट इज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्चेस ऑफ आवर बैंक। वी हैव टेकन 2.5 million मतलब 25 lakh क्रेडिट कार्ड हमारे बैंक ने इश्यू किए हैं एंड उसकी क्रेडिट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसमें कस्टमर्स की एक्सेप्टेंस हमारे ब्रांड की बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ आवर लेट मी से स्टार पोर्टफोलियोस इन द डेज टू कम। ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यनाथन सर, सुधांशु जी आप दोनों का हमें समय देने के लिए और अपने नतीजों पर हमारे दर्शकों से विस्तार में बातचीत। अनिल जी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी बताएं। सो टू थिंग्स एक्चुअली, वन इज जैसे आपके दर्शकों को बता दूं और आपको बता दूं कि एक बैंक है तो बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, डिपॉजिट्स, क्योंकि एक बार डिपॉजिट आ जाए लेंडिंग तो हो ही जाता है और इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो हमारे बैंक के एक तो डिपॉजिट स्ट्रांग है, दूसरा मैंने जैसे आपको जैसे बताया ब्रांड बन गया, तीसरा कॉस्ट ऑफ फंड्स भी लो हैं और कम हो रहे हैं। सो देयरफॉर हमें लगता है कि 25, 26, 27, 28, 29 जो हमने गाइडेंस दिया है वो काफी अचीवेबल है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो बताऊं कि रिटर्न ऑन एसेट्स जो हमारे पार्लेंस में, बैंकिंग पार्लेंस में बोलते हैं, बाय Q3 Q4 मतलब Q2 Q3 आप सिमिलरिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन Q3 Q4 में
एक शार्प अपटिक मिलेगा, वो फोर डिजिट प्रॉफिट वी फील दैट बाय Q4 वी शुड बी एबल टू गो इन दैट जोन कंफर्टेबली। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स जिसको बोलते हैं, जो करीब 1 है या 1.1 है, हमें लगता है कि कैन रीच अबाउट 1.3% बाय दैट टाइम, एंड बाय FY 24 विदिन 26-27 वी कैन कंफर्टेबली रीच रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ अबाउट 1.5%। तो वो हमारा ट्रैक बैंक का बहुत सही है कि हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं देखते हैं, हम लोग ईयर टू ईयर देखते हैं बैंक कैसा चल रहा है। एब्सोल्युटली बिल्कुल, आप डिपॉजिट्स भी लंबे समय के लिए लेते हैं, लोन लंबे समय के लिए देते हैं, आपके इन्वेस्टर्स को भी बैंक की परफॉर्मेंस लंबे समय के लिए आज से देखनी चाहिए। और बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपने दिया है सर कि वित्त वर्ष 2025-26-27 के स्तर से मजबूत रह सकते हैं। और जो आपने कही भी बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए कि हर बैंक के लिए डिपॉजिट ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है बैंक का। पैसा होगा तो आप पैसा उधार देंगे, और 38-39% की मजबूत डिपॉजिट ग्रोथ के साथ। और एक और चीज़ जो वैद्यनाथन सर ने कही, तीसरी तिमाही से 4 डिजिट में प्रॉफिट, यानी कि 1000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट दिखेगा। हमारी शुभकामनाएं सर आपको फोर्थ क्वार्टर से। अनिल जी, मैं खाली एक और ऐड करना चाहूंगा, कॉस्ट टू इनकम जो हमारा 70s, मेरा अभी 72%, वो भी हम Q4 तक उसको 70 के नीचे लाएंगे, हम 60s में चले जाएंगे। बिल्कुल, और कई बार लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट बड़ा एग्रेसिव है, लेकिन एग्रेसिव होने के साथ साथ जो डिलीवरी है वो लाजवाब है। तो आप देख ही सकते हैं कि